नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को और इस फंड ने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड SBI स्मॉल कैप है स्मॉल कैप कैटेगरी में या नहीं, इन सब पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन मार्क को दूर करेंगे, बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निपोन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया, SBI क्वांट, आपको भी पता अंडर परफॉर्म कर रहा है तो हमने नहीं लिया अभी के लिए। ओके, यहाँ पे अब SBI स्मॉल कैप आपको 9% रिटर्न दे रहा है, फ्रैंकलिन दे रहा है 8.27, टाटा दे रहा है डबल इन दोनों से, ठीक है, और निपोन इंडिया आपको 11% के आसपास रिटर्न दे रहा है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो ये वाला डिफरेंस टाटा ने क्रिएट किया है ना, टाटा ने पिक किए कुछ ज़बरदस्त स्टॉक्स जो चल गए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना ये चीज़ सबके साथ होती है और इसी वजह से सबके रिटर्न 31, 32, 36, 39 इसके आसपास ही रहते हैं। आप इतना गैप नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे क्योंकि ये मार्क कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। आप इन चारों पे से कहीं पे भी हो, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन सपोज़ कीजिए आपने इन चारों में से कोई भी नहीं लिया, आपने ले लिया एक्सिस स्मॉल कैप या कोई भी फंड जिसने लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स ख़राब कर दिए, और इनमें से अगर कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है और आप उसको पिक करे रखते हैं तो वो एक ख़राब चीज़ होगी। समझ आ गया? अभी हम वापस फोकस करते हैं SBI पे। SBI ने ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं लॉन्ग टर्म में, अभी शॉर्ट टर्म में भी दे ही रहा है, ऐसी कोई बुराई वाली बात है नहीं। थोड़ा सा कम वाली साइड पे है तो, लेकिन इतना भी नहीं। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ और है कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत अच्छा है, बीटा बहुत अच्छा है, अल्फ़ा ठीक है, और सोटिनो और शार्पे। मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से चीज़ बताता हूँ जो आपको कहीं किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी और कोई इंसान आपको बताता हुआ नहीं मिलेगा। रीज़न बताता हूँ उस चीज़ का, क्योंकि जब एक्सपीरियंस नहीं होता ना और सिर्फ किताबें पढ़ के या सिर्फ वेबसाइट देख के आपको कुछ बताया जा रहा होता है तो उस केस में आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाती। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ना धोखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन धोखा नहीं है SBI के केस में। मतलब मुझे नहीं पता ये क्या करते हैं, निफ्टी 50 लेते हैं, इनके हर म्यूचुअल फंड में निफ्टी 50 का एक्सपोजर मिलेगा ज़्यादा। मैं शायद अगर आपको नीचे दिखा पाऊँ तो ये देखो, अभी ये 3.82 है, ये बढ़ जाता है। अब ये निफ्टी 50 का एक्सपोजर ले लेते हैं जिस वजह से ये 4, 6, 7, 8% देखा है मैंने SBI स्मॉल कैप में भी। 7% तो हमने देखा था पिछले साल ही, उससे पहले मैंने 8 भी देखा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को काफ़ी हद तक लो कर देता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये बाकी जो इनका फंड्स होते हैं या जो ये रिस्क वाला फैक्टर यूज़ करते हैं अपने पोर्टफोलियोज़ में, अपने म्यूचुअल फंड्स में, तो वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये म्यूचुअल फंड इतना ही गिरते हैं जितना ये गिर रहे होते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा होने के बावजूद भी इनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर वही बात है ना कि अगर डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं भी है तो एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं इसको बोल सकता हूँ कि आप ले सकते हो, और वो रीज़न मैं आपको दूंगा लास्ट में, कि ऐसा एक मेजर रीज़न कि ये वाला म्यूचुअल फंड और ये म्यूचुअल फंड ये एक अलग ही क्लास है यार। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबके पास वही फाइनेंशियल है, फिर से फाइनेंशियल, एंड इधर भी फाइनेंशियल, ठीक है, और सेम वही कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ये सब है कंज्यूमर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब सेम ही है, तो हम बार बार अलग अलग म्यूचुअल फंड्स नहीं रख सकते कि हम ये भी रख लें वो भी रख लें। हाँ, इनमें से जिसका टर्नओवर रेशो ज़्यादा है और एक का कम है वो आप साथ रख सकते हैं, लेकिन इनके केस में सबका टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो इनको अगर आप रखोगे और इनके बीच ओवरलैपिंग होगी तो रहेगी वो फिर, या तो इनको रख लो किसी को क्वांट के साथ, लेकिन क्वांट अगर अभी तक आपके पोर्टफोलियो में नहीं था तो अब उसको बाय मत करना जब तक वो दोबारा परफॉर्म करना शुरू ना कर दे। समझ आ गया? तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर ये चीज़ आप देखते हो जो कि लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अब लोग जो चैनल पे नए हैं ना ये उनके लिए है, जो बाकी पुराने हैं वो वीडियो को 45 सेकंड तक स्किप कर दीजिए। अब मैं जो नए लोग हैं चैनल पे आए हैं और ये देख रहे हैं कि ये एक्सपेंस रेशो क्या फ़र्क डालता है, मेरे हिसाब से 0। अब आप कहोगे ऐसे कैसे यार, लोग तो बोलते हैं कि 1% से इतना बड़ा फ़र्क हो जाता है, ये कंपाउंड होती है, हैं हमारे रिटर्न्स करोड़ों के बनते हैं। सिंपल सी बात मुझे बताना, अगर मैंने फ्रैंकलिन में सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए हैं लास्ट 1.5 साल में, ठीक है,
और उसके अगेंस्ट में निपोन से मेरे रिटर्न्स कम आए हैं, तो क्या इसके एक्सपेंस रेशो से मुझे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। चलो ये चारों तो परफॉर्मर हैं तो इनका क्या ही एग्जांपल लेना। अगर मैं कोई ऐसा म्यूचुअल फंड ले लूं जिसका 0.25 हो एक्सपेंस रेशो, टाटा से भी कम, फ्रैंकलिन से चार गुना, लगभग तीन चार गुना कम, लेकिन वो रिटर्न फिर आपको दे रहा है 12% 13%, जबकि ये आपको दे रहे हैं 18% 20%। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है, ले लोगे? अगर जो बंदा ये कह रहा है ना मैं हाँ ले लूँगा और मुझे बस ये एक्सपेंस रेशो चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छी जर्नी पे निकले हुए हैं जो मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर है। लेकिन जो लोग ये चीज़ समझते हैं कि जब ये जेब में आ रहा हो ना तो फिर ये जा रहा है या फिर सीधा सीधा 1% जा रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, मुझे यहाँ पे 3 से 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, बात ख़त्म हो गई। मेरी जेब में क्या आ रहा है मुझे वो देखना है ना, या मैं दूसरों का प्रॉफिट देखने लग जाऊं, मुझे अपना रिटर्न देखना है। ओके, अब जिस वजह से मैं बार बार बोलता हूं कि SBI स्मॉल कैप बहुत ज़बरदस्त है, यहां से अगर मैं शुरू करूं SBI को तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखती है। जो ये वाइट कलर वाले हैं इनको अगर हम छोड़ भी दें तो, उसके बाद इधर भी सेम चीज़ है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया था रिकवर करने में। देखो बाकी ये -9% -2% अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो बहुत सारे माइनस में दिखेंगे, बहुत कम म्यूचुअल फंड थे जो इस समय पे खड़े रहे 5% 7%, और ये तो नया आया था तो ये बच गया था ड्रॉप से, तो इसने मतलब लास्ट में ही आया था तो इसको हम कंसिडर नहीं करते। ओके, यहाँ पे बाकी म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो 113% कोई भी नहीं था आसपास, 53, तो इसके ये वाले परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और जब ये प्रोटेक्शन की बात हो तो प्रोटेक्शन नहीं है ना, मैं देखो यहाँ -19% है, ये -7 है, ये -16 है, तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन रिकवरी मोड इतना अच्छा है कि अगले साल ये वन ऑफ द रेयरेस्ट म्यूचुअल फंड में था जो 2019 में रिकवर कर गए थे। और अगर मैं टोटल बात करूं 12 में से 8 साल इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 2024 में भी दे रहा है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है। अगर आपके पास SBI का कोई और म्यूचुअल फंड नहीं है तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चॉइस हो सकती है। अब ये वाला कौन सा म्यूचुअल फंड है, कुछ लोगों ने अगर यहाँ पे नोटिस कर लिया होगा इस वीडियो में तो पक्का उनका, मैं कह रहा हूँ उनको बस आंसर करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप करना है। सबसे पहले उन लोगों का कमेंट पिक होगा जो मुझे आंसर दे देंगे कि ये वाला कौन सा म्यूचुअल फंड था। वीडियो में ही कहीं आंसर है तो वो ढूंढ लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में।